हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं हूं नित्यांशी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट एंकर नित्यांशी पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको आज अपने हर वीडियो में बता रहे हैं कि लाइव फीड जो है वो काफ़ी बोरिंग चल रही है, क्योंकि ज़्यादातर विजुअल्स जो दिखाए जा रहे हैं उसमें या तो घर वाले किचन एरिया के पास बैठे हुए खाना बना रहे हैं या फिर बेडरूम एरिया में अपने अपने बेड्स पर लेटे हुए हैं, और म्यूट तो ऑडियो तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी विजुअल में। बहुत एकदम म्यूट पे चलाया जा रहा है पूरा लाइव फीड, लेकिन अभी अभी 2 मिनट के लिए म्यूट जो है वो हटाया गया था और ऑडियो हमने सुना जहां पर राहुल वैद्य बाथरूम में आकर बिग बॉस से शिकायत कर रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको कि एग्जैक्टली राहुल वैद्य ने बिग बॉस से क्या कहा। तो वो कह रहे हैं कि बिग बॉस आपको पहले से ही बताया था, आपको पता है कि इस तरह के टास्क मत दीजिए, इस तरह की बातें मत कीजिए, फिर से ये लोग शुरू हो जाते हैं और अपनी नॉनसेंस बातें करने लगते हैं। तो इस तरह की बातें राहुल वैद्य, इस तरह की कंप्लेंट रादर राहुल वैद्य बिग बॉस से करते नजर आए वॉशरूम एरिया में। वहां पर रूबीना भी खड़ी थी, लेकिन उन्होंने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया राहुल की इस बात पर। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी अभी तो दोनों जो घर की फीमेल कंटेस्टेंट्स हैं राखी और रूबीना, वो रेडी हुई थी सज धज कर अच्छे कपड़ों में, और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, काफ़ी समय से ये सारे घर वाले बेडरूम एरिया में थे तो पता नहीं चल रहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि राहुल वैद्य बाथरूम में आकर बिग बॉस से ये कंप्लेन कर रहे थे। जैसे ही इस पर कोई क्लैरिटी मिलती है हम आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए बने रहिए फिल्म विंडो पर। मैं हूं नित्यांशी।